कोका-कोला के मेरे ट्रैफिक मार्शल दोस्तों, आइए हमारी जिम्मेदारी समझें। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम शिपिंग एरिया में सुरक्षा और गाड़ियों की आवाजाही को प्राथमिकता दें। ट्रैफिक मार्शल के रूप में यह जरूरी है कि हम निर्धारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अवश्य पहने। सुनिश्चित करें कि कंपनी परिसर में किसी भी वाहन की गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ना हो। यह देखें कि कोई भी क्लीनर चलती गाड़ी से ना उतरे ना चढ़े। यह जरूरी है कि पार्किंग के लिए गाड़ी को आगे या पीछे करते समय सुरक्षित तरीके से गाइड किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि वाहन को अधिकृत क्षेत्र में ही गियर में डालकर तथा हैंडब्रेक लगाकर पार्क किया गया है। यह देखें कि गाड़ी ढलान वाली सतह पर पार्क नहीं की जाए। गाड़ी पार्क करने के पश्चात गाड़ी के टायर के नीचे व्हील चोक अवश्य लगवाएं। कंपनी परिसर में गाड़ी में खाना पकाने की अनुमति नहीं दें। ड्राइवर या क्लीनर को गाड़ी के ऊपर या नीचे अथवा सड़क के किनारों पर सोने की अनुमति नहीं दें। यह भी सुनिश्चित करें कि भोजन अथवा अन्य कार्य से ड्राइवर परिसर से बाहर जा रहा हो तो गाड़ी की चाबी सिक्योरिटी गेट पर जमा कराएं। क्लीनर को कंपनी परिसर में गाड़ी चलाने नहीं दें। लोडिंग या अनलोडिंग करते समय यह आवश्यक है कि वाहन पर कार्य करने वाले सभी लोगों द्वारा हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट और सेफ्टी शूज का उपयोग किया जाए। ट्रक पर तिरपाल बांधते समय यह सुनिश्चित करें कि ड्राइवर और क्लीनर द्वारा हेलमेट और कंपनी फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल अवश्य किया गया हो। ड्राइवर और क्लीनर को कंपनी परिसर में अनावश्यक रूप से घूमने ना दें। यह भी सुनिश्चित करें कि कंपनी परिसर में फोर्कलिफ्ट की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो। यह भी देखें कि फोर्कलिफ्ट ड्राइवर ने सभी सुरक्षा उपकरण जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट और सेफ्टी शूज का उपयोग अवश्य किया हो। आइए हमारी सभी जिम्मेदारियों पर एक नजर डालें। वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाए जाएं, चलती गाड़ी से ना कोई उतरे ना चढ़े, हैंडब्रेक का उपयोग करें, व्हील चोक का प्रयोग करें, यदि ड्राइवर भोजन इत्यादि के लिए जा रहा हो तो चाबियां सुरक्षा गेट पर जमा करवाएं, फॉल अरेस्टर का अवश्य उपयोग करें, परिसर में ड्राइवर क्लीनर को यहां वहां घूमने ना दें।